मथुरा कोसीकला थाना के क्षेत्र में ट्रक से लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। पुलिस ने मौके पर से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर शराब तस्कर ट्रक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हरियाणा से कोलकाता ले जा रहे थे। पकड़ी गई शराब की कुल कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि कल देर रात पुलिस के मुखबर की सूचना पर ट्रक RJ07GC0999 हरियाणा से कोलकाता जा रहा था। पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर के पास चेकिंग अभियान चलाया, तभी पुलिस को आता देख शराब तस्करों ने ट्रक भगाने की कोशिश की। मौके से दो शराब तस्कर पकड़े गए, जिनका नाम गुरविंद्र और अमेंद्र बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। विगत दिनों में अवैध शराब तस्करियों पर जो कार्रवाइयां हमारी चल रही हैं, उसी के क्रम में थाना कोसी की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें एक ट्रक जिसमें फर्जी बिल्टी बनाकर और भूसे में करीब 400 पेटी शराब की तस्करी कर रहे थे, उसको गिरफ्तार करने में और बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर दोनों को भेजा जा रहा है। जो इनकी नेटवर्क है, उनके बारे में जानकारी कर उनके आगे और पीछे जो सोर्स और डेस्टिनेशन के लोग हैं, उनको भी उन पर भी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने ट्रक से इंपीरियल ब्लू की 400 पेटी बरामद की। शराब की पेटी ट्रक में भूसे में छिपा कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जेल भेज दिया है। मथुरा से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 सुनिए।